पठानकोट में काम के सिलसिले से आई कार में सिविल वर्दी में सवार नंगलभूर थाना प्रभारी दीपक कुमार ने लाइटों वाले चौक से रॉन्ग साइड से स्कूटी पर तेज रफ्तार से आई युवक को सही रास्ते से मोड़ काटने की बात कही तो युवक ने थाना प्रभारी को थप्पड़ जड़ दिया। मारपीट में नंगलभूर थाना प्रभारी के मुंह पर चोट आई। उसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले आई। मारपीट करने वाला युवक मोहल्ला रामपुरा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस द्वारा युवक के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। थाना प्रभारी ने युवक को माफ किया। युवक द्वारा भी थाने में अपनी गलती पर माफी मांगी गई, जिसके बाद मामला खत्म किया गया। जनसेतु के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट। कल शाम को नंगलपुर वाले एस एच ओ जो कि अपने पर्सनल काम लिए इतने आए हुए थे, सिविल से सी अपनी गड्डी से, अपनी गड्डी ड्राइव कर रहे थे तो एक जो लड़का सी नौजवान वो रोंग साइड तो आ रहा है तो उन्होंने उन्होंने कहा भी भाई रोंग साइड तो ना आया। और उन्हें बदतमीजी करनी स्टार्ट करती। उस तो बाद मिस मैनहैंडलिंग भी हुई। उस तो बाद उन्होंने थाने सिटी वन ले जाया गया, जिससे सिटी वन वाले एस एच ओ छुट्टी दिते सीगे तो जो मैं गया सी उस मौके पर। फिर उस बंदे ने जो रिलाइज हो गया भी मैं गलत सीगा, फिर उन्होंने सारे सामने उत्थे माफ़ी मांग ली, अपनी गलती भी मान ली। तो उन्हें बच्चे के कैरियर में वेख रहे भी वो खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हों मतलब एक नैगेटिव मैसेज भी जाता तो नाल उस बच्चे का कैरियर भी खराब हो सकता। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिहड़े एस एच ओ नंगलपुर उन्होंने मतलब वड्डा दिल दिखाया, उन्होंने उन्होंने माफ़ किया तो उन्हें अपनी जी बिना शर्त तो अपनी माफ़ी मांग के जो मामला रफा दफा कर दिया गया।